जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहां से आप अगर जीपी रेटिंग करते हैं तो आपको 100% जॉब के लिए गारंटी होती है। आपको पता ही होगा आज के टाइम में मार्केट कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आपने रेटिंग का कोर्स किसी इधर उधर से कर लिया, किसी ऐसे कॉलेज से कर लिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, तो आपको जॉब के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है और कितना ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहां से आप अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको 100% जॉब के गारंटी होती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न की। ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है और आप ग्रेट ईस्टर्न कॉलेज से अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो आपको 100% जॉब की गारंटी होती है। तो आज हम जानेंगे ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना पैसा लगता है, कितनी फीस है, इन सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेना चाहते हैं रेटिंग के लिए तो सबसे पहले आपके पास ITI या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा या ITI का कोर्स आपने नहीं किया है तो आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेने के लिए आपका ITI वगैरह में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से आपके मार्क्स कम हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका 10+2 में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो आपकी I6x6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आपका हाइट 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं दोस्तों तो आपकी एज 17 साल से ज़्यादा और 28 साल से कम होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम दोस्तों फ़ीस की बात करते हैं तो इनकी फ़ीस 4.5 लाख रुपये फ़ीस है रेटिंग की। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 4.5 लाख रुपये हम देंगे रेटिंग के लिए दूसरे कॉलेज में तो ज़्यादा फीस नहीं है, 2 से 2.5 लाख रुपये फ़ीस है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी भी दूसरे कॉलेज से रेटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको जॉब के लिए कोई भी गारंटी नहीं होती। आपको फिर एजेंट के चक्कर में पड़ना पड़ता है, आपको 3 से 3.5-4 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं जैसे GIT पे आप जाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे 4.5 लाख दे के, और इनकी खुद की कंपनी है, ये लोग अपने कंपनी में ज्वाइनिंग करवाते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और 4.5 लाख रुपये में दोस्तों ये आपकी कॉलेज का फ़ीस, आपका हॉस्टल फ़ीस, आपका ड्रेस फीस, बुक्स और जो भी आपका कोचिंग का खर्चा होता है सब कुछ, मतलब 4.5 लाख रुपये में आपको सब कुछ करा के देते हैं और आपको प्लस ज्वाइनिंग भी देते हैं। ग्रेट ईस्टर्न एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, इंडिया की दूसरे नंबर की कंपनी है। अगर आपका एक बार इसमें एडमिशन हो गया ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसी कंपनी है, आपको बार बार कंपनी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, या अगर आपके पास ITI का कोर्स कर रखा है आपने, तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। आप इस कंपनी में जाके, इसके साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और रेटिंग कोर्स करने के बाद आइए लोग कंप्लीट ज्वाइनिंग मिल जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, वो दूसरे कॉलेज की अपेक्षा काफ़ी टफ होता है, तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके कॉलेज में मात्र 40 सीट ही होते हैं, तो आप पता आप समझ सकते हैं कि 40 सीट हैं तो कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होगा इनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म की फ़ीस 750 रुपये है और ये 750 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद से वो लोग खुद आपको कॉल करके गाइड करेंगे कि कब इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। इसके लिए दोस्तों आपके फ़ोन का कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है द ग्रेट ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी और आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आप देख सकते हैं द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़ पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ऊपर आपको नंबर वगैरह दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ से इसको कट करना है और आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सिंपली इसको टच करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आपको सिंपली रीड करके आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं DNS, GME, ETO और GP रेटिंग, डेक इंजन एंड GP रेटिंग, फीटर पम्पमैन,
आपको ये फॉर्म दिख रहा है, आपको सिंपली आपको जीपी रेटिंग फिटर और पंप को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। जैसे मैं कोई भी फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको अपलोड करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके देखिए, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी चीज़ें, आपको जो भी आपका जेंडर, नेशनलिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर आपके आपके पास है तो आप डाल लीजिए। ब्लड ग्रुप चेक करना, इधर ब्लड ग्रुप आपका अगर जो आपको पता है तो इधर यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसको सिंपली छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मदर टंग क्या है, फिजिकल फिटनेस, आपकी हाइट कितनी है, वेट क्या है, ठीक है, ये सब फिल करने के बाद नीचे आ जाते हैं इधर। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका फादर का डिटेल्स पूछा जाता है, उसको भर लीजिएगा। मदर का डिटेल्स जो भी है आप भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप भर दीजिए, अगर आप कहीं और भी रहते हैं प्रेजेंट टाइम में वो एड्रेस आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद से आता है आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ था और कौन से प्लेस से इशू हुआ था, वो आप यहाँ से भर सकते हैं और कब तक वो वैलिड है वो भर दीजिए। उसके बाद से दोस्तों आपको आ जाता है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आप 10 और 10+2 में आपका क्या परसेंटेज था, कौन से ईयर में आपने पास किया और आपने डिप्लोमा किया है, ITI वगैरह किया है, वो सब भर सकते हैं। इंग्लिश में कितना परसेंटेज था आपका, PCM में कितना परसेंटेज था, कौन सी स्कूल से, कौन सी स्कूल और कॉलेज का नाम आप यहाँ भर सकते हैं और कौन से कौन सा बोर्ड था, UP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, जो भी बोर्ड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप किसी का रेफरेंस है, किसी रेफरेंस के माध्यम से गए हैं तो उनका CDC नंबर, या आप किसी कंपनी से स्पॉन्सर हैं तो उनका यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है, कंपनी का नाम पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आ जाता है आपका इधर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपना सीट बुक कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों वो लोग कॉल करके खुद आपको गाइड करते हैं कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कैसे आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा, तो ये सारी चीज़ें वो लोग खुद कॉल करके आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।